स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप परवल तो खाते ही होंगे सब्जी के रूप में, लेकिन इसके फायदे आप नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं परवल के औषधीय फायदे क्या क्या हैं। यह वर्ष के कुछ ही महीनों में दिखने वाली सब्जी परवल, जो सभी सब्जियों में सबसे अच्छा माना गया है। आयुर्वेद में एकमात्र परवल को ही 12 महीनों में सदा पथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि परवल गुड़ में हल्के, पाचक, गरम, स्वादिष्ट, हृदय के लिए हितकर, वीर्यवर्धक, जठराग्नि वर्धक, स्निग्धता वर्धक, पौष्टिक, विकृत कफ को बाहर निकालने वाला और त्रिदोष नाशक है। यह सर्दी, खांसी, बुखार, कृमि, रक्त दोष, जीर्ण ज्वर, पित्त के ज्वर और रक्तालता को दूर करता है। यह दो प्रकार का होता है, मीठा और कड़वा। सब्जी के लिए सदैव मीठे, कोमल बीज वाले और सफेद गुदे वाले परवल का उपयोग किया जाता है। जो परवल ऊपर से पीले तथा कड़क हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं माना जाता है। कड़वे परवल का प्रयोग केवल औषध के रूप में होता है। कड़वे परवल हल्के, रुच, गरम, वीर्य, रुचिकर्ता, भूख वर्धक, पाचन करता, त्रिदोष नाशक, पित्त सारस, अनुलोमक, रक्त शोधक, पीड़ा शामक, घाव को मिटाने वाले, अरुचि, मंदाग्नि, यकृत विकार, उदर रोग, बवासीर, क्रीम, रक्त पित्त, सूजन, खांसी, कोढ़, पित्त ज्वर, जीर्ण ज्वर और कमजोरी नाशक है। इनका औषधीय प्रयोग कैसे किया जाए वो भी जान लेते हैं। यदि कफ ज्यादा हो गया है तो डंठल के साथ मीठे परवल के 6 ग्राम पत्ते व 3 ग्राम सौंठ के काढ़े में शहद डालकर सुबह शाम पीने से कफ सरलता से निकल जाता है। हृदय रोग और शरीर की पुष्टि के लिए घी अथवा तेल में बनाई गई परवल की सब्जी का प्रतिदिन सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है, वीर्य शुद्धि होती है तथा वजन भी बढ़ता है। रक्त विकार में इसके मरीज को प्रतिदिन धनिया, जीरा, काली मिर्च और हल्दी डालकर घी में बनाई गई परवल की सब्जी का सेवन करना चाहिए। शरीर का विष निकालने के लिए कड़वे परवल के पत्तों अथवा परवल के टुकड़ों का काढ़ा बार बार रोगी को पिलाने से उसके शरीर में व्याप्त जहर उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है। पेट के रोग, जलन और ज्वर बुखार के लिए परवल के पत्ते, नीम की छाल, गुड़ुच व कुटकी को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। यह काढ़ा पित्त, कफ प्रधान, अम्ल पित्त, शूल, भ्रम, अरुचि, दाह, ज्वर और बवन में लाभदायक है। दोस्तों, इसमें सावधानी क्या रखनी है? तो सावधानी, गर्म तासीर वालों के लिए परवल का अधिक सेवन हानिकारक। यदि इसके सेवन से कोई तकलीफ हुई हो तो सूखी धनिया अथवा धनिया जीरे का चूर्ण घी मिश्री में मिलाकर चाटें अथवा हरी धनिया का रस पिएं। इसमें ध्यान देने वाली एक बात और है, ज्वर, चेचक, मलेरिया, रक्त की उपदंश जैसे रोगों में मीठे परवल की अपेक्षा कड़वे परवल के पत्तों का काढ़ा अथवा उसकी जड़ का चूर्ण अधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, कैसी रही हमारी जानकारी कमेंट करके जरूर हमें बताएं। ऐसे ही औषधि और स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।